साथियों, हर बार हर त्योहार में जब भी मैं आपके बीच आता हूं, जितना समय आप सबके बीच बिताता हूं, जितना आपके सुख दुख में शामिल होता हूं, राष्ट्र रक्षा का, राष्ट्र सेवा का मेरा संकल्प उतना ही मजबूत होता है। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि आपकी आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। प्रत्येक देशवासी आपके साथ है। हां, आज के दिन मैं आपसे एक मित्र के रूप में, एक साथी के रूप में तीन बातों का आग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरा यह आग्रह आपके लिए भी हो सकता है संकल्प बन जाए। पहला, कुछ न कुछ नया इनोवेट करने की आदत को, नए तरीके से करने की आदत, नई चीज खोज करके करने की आदत, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और मैंने देखा है कि इस प्रकार की जिंदगी गुजारने वाले हमारे जवानों की क्रिएटिविटी देश के लिए बहुत कुछ नई चीजें ला सकती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कुछ न कुछ इनोवेट करने का। देखिए हमारे सुरक्षा बलों को, क्योंकि आप अनुभव के आधार पर इनोवेट करते हैं, रोजमर्रा से जिस प्रकार से जूझते हैं उसमें से निकालते हैं, बहुत बड़ा लाभ होता है। दूसरा मेरा आग्रह है और वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आप हर हालत में योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए। और तीसरा, हम सब की अपनी अपनी मातृभाषा है, हम में से बहुत लोग हिंदी बोलते भी हैं, हम में से कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, इन सब से तो हमारा स्वाभाविक नाता रहता है। लेकिन जब ऐसा सामूहिक जीवन होता है, एक मेरे सामने लघु भारत बैठा हुआ है, देश के हर कोने के नौजवान बैठे हुए हैं, अलग अलग मातृभाषा के नौजवान बैठे हुए हैं, तब मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं कि मातृभाषा वो जानते हैं आप, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, क्यों ना अपने किसी एक साथी के पास से भारत की कोई एक और भाषा आप जरूर आत्मसात कीजिए, सीखिए, आप देखना वो आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। आप जरूर देखेंगे ये बातें आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी।